लोड करना है आप गाड़ियों की वाली गाड़ी देख सकते हो आप इसकी क्या हालत होगी है ये भी बिल्कुल पत्थर वगैरह गिरे होंगे शायद ऊपर से तब ऐसी तो आज मैं जा रहा हूँ बेचने एप्पल मंडी शिमला तो ये से मुझे गांव से भेजे गए हैं ये हिल चौंप की वजह से थोड़ी डिस्ट्रॉय हुए हैं और मुझे इससे ले जाना है मतलब कि फ्रूट मंडी सेल आउट करने इसीलिए घर वाले नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि इन सेबों के कम रेट मिलेंगे तो उन्होंने मेरे पास ही दे दिए ये सेब ढली टनल से तकरीबन एक किलोमीटर दूर है सेब मंडी तो अभी मैं उसी तरफ को जा रहा हूँ अभी सुबह का वक्त है तो रश अभी थोड़ा कम होगा अगर दिन के टाइम कोई सेब लेके आएगा यहाँ पे तो उसे रश का बहुत सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिन की यहाँ पे 500 से 600 सौ गाड़ियाँ आती है और 500 सौ से छः सौ गाड़ियाँ आपको पता ही अगर एक साथ देखने को मिले तो कितना ज़्यादा रश होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और आज मौसम भी साथ नहीं दे रहा है देख सकते हो आप बूंदाबांदी लगी हुई है और मैं जिसमें बैठा हूँ यह है बलैरो कैंपर छोटी वाली जिसमें थोड़ी कम बेटी आती है और पाँच लोगों की कैपेसिटी होती है बैठने की देख सकते हो आप कितना रश होता है यहाँ पे मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो से मंडी आने ही वाली है इस वजह से जाम रहता है उसके आसपास कई टाइम मतलब हर वक्त नहीं कभी कभी रहता है तो देख सकते हो आप यहाँ पे लाइनों में लगी है पिकअप्स और हम इनको ओवर टेक कर आगे को जाएँगे देख सकते हो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे अगर हम इनके सबसे लास्ट में खड़े हो गए मतलब हमने गाड़ी लगा ली वहाँ पे तो नंबर तो कम से कम शाम तक ही पड़ेगा अब मैं मंडी के अंदर एंटर हो चुका हूँ और जो गाड़ी के ड्राइवर थे मिस्टर सतपाल जी वो अभी अंदर गए हुए हैं मंडी के अंदर गए हैं बातचीत करने उनसे जिनके पास हमने सेब बेचने हैं तो पता है नहीं कुछ हिसाब किताब रहता है टोकन वगैरह का कुछ इनके उस हिसाब से एंट्री मिलती है तो देख सकते हो आप यहाँ पे मंडी के अंदर का इस तरह का कुछ नज़ारा है तो यहाँ पे बेच रहे हैं लोग सेब तो देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे खरीदा आए हुए है, है बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो मैंने इन्हें डिटेल अपनी दे दी है नीचे इनके पास बेचना है हमें और अब यहाँ से सैंपल निकाले जाएंगे पाल को ऊपर करे ये लोग और उसके बाद पेटी जो मतलब सैंपल्स है हर एक लॉट का एक एक सैंपल निकाला जाएगा अभी यहाँ पे ये अनलोडर्स ये ना लिस्ट को पढ़ रहे हैं कि भाई किस किस का सैंपल निकालने को है अब यहाँ पे एक आदमी ऊपर चढ़ चुका है जो कि अब एक एक पेटियाँ दूसरे बंदे को देगा तो देख सकते हो आप इन्होंने निकालना शुरू कर लिया यहाँ पर पे पेटियों को और ये बुला रहे अब जो नीचे पकड़ सके एक ऊपर से निकालेगा और दूसरा पकड़ के उसे नीचे रखेगा सैंपल को और इस चाचा ने यहाँ पे फुर्ती से नीचे रख दी बेटियाँ ताकि आर्थ लोग एक के बाद एक सैंपल को अनबॉक्स कर सके और देख सके कि किस तरह का माल इसमें भरा हुआ है इसलिए इन्हें सारे सैंपल पहले चाहिए होते हैं मुँह के सामने जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी और कुछ इस तरह से पेटी के स्ट्रैप को खोला जाता है तो उतने बुरे भी नहीं है ये सेब जो ओले से खराब हुए हैं इनकी फिर भी ठीक है मतलब सब कुछ ठीक है इनका तभी मेरे पास दिए नहीं तो घर वालों ने खुद ही ले आने थे और यहाँ पे खरीदार आरती के साथ बात करते हुए देख सकते हो आप ये रेट का मुआयना कर रहे कि भाई ठीक है इतना और इसके बाद फिर यहाँ पे गोल्डन गोल्डन की भारी तो ये भी मतलब थोड़े डिस्ट्रॉय हुए थे मतलब ब्लैकिश इसमें कलर आ चुका था तो दैट्स वाई ये भी डिफेक्टेड वाले माल के साथ भेजे गए हैं डिफेक्टेड माल में तीन टाइप का माल भेजा गया है रेड रॉयल और गोल्डन तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन वैसे मुझे तो ठीक ही लगी मतलब बीच बीच में निशान है इसमें और थोड़ा कलर भी ख़राब था तो ये डिफेक्टेड में गिने जाते हैं पहले यहाँ पे बेचने पड़ते हैं सेब फिर इनके गोदाम में अनलोड करनी पड़ती है पूरी की पूरी गाड़ी जिसमें कि आपका माल हो जिसमें कि आपका सेब हो फिर आपको अपनी जो डिटेल्स है कि मेरे पास इतने का लॉट था जो भी आपने सब कुछ डिटेल लिखी है वो सबमिट करनी पड़ती है उसके बाद आपको पेमेंट का टोकन्स मिलेंगे तो हम अभी गाड़ी को अनलोड करने जा रहे हैं ये बाईपास ढली में है इनका गोदाम तो हमें वहाँ तक जाना होगा पहले तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे शिमला में गाड़ियों का तो हमेशा तांता ही लगा रहता है पार्किंग फुल रहती है चौबीस घंटे चाहे आप साइड रोड के साइड की बात कर लो चाहे जिस मस्जिद की बात कर लो आप तो देख सकते हो तो अभी मैं सब्जी मंडी पहुंच चुका हूं पहले यहीं पर फ्रूट्स बिका करते थे लेकिन अब कुछ साल पहले ये पार को शिफ्ट हो गए थे थोड़े से दूरी पे और अभी हमें यहाँ नहीं मतलब कि इससे भी दूर जाना होगा यहाँ पर साथ ही में पेट्रोल पम्प भी है ये देख सकते हो और अभी हम यहाँ जनजाति भवन के आसपास है हमें ढली बाईपास जाना होगा वहाँ है इनका गोदाम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया तो कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं बाईपास और जाम यहाँ पे लगा रहता है आपको लगता होगा कि भाई इसे बेचना तो बहुत आसान काम है लेकिन जब जाम में रुकना पड़ता है काफी वक्त के लिए तब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से तो अभी डली चौक में पहुंच चुका हूँ अब इस तरफ को टर्न लेना होगा हमें और फिर बढ़ते हैं हम गोदाम की तरफ देख सकते हो कितनी फॉग है यहाँ पे पड़ी हुई मिस्टर सतपाल जी की गाड़ी की स्पीड ने हमें बहुत तेज़ी से पहुँचा दिया जहाँ हमें पहुँचना था गोदाम में तो देख सकते हो आप कितनी फॉगी फॉगी जगह लग रही है ये वाली और बस अब कुछ ही देरी में हम पहुंचने वाले हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको अनलोड होते हुए क्या प्रोसीजर है वो जाए। भाई 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 नहीं नहीं। तो ये है गोदाम और यहाँ पे हम सारी पेटिया निकाल देंगे और इनको हैंड ओवर कर लेंगे तो गाइज ये देख सकते हो आप गाड़ियों की स्थिति ये ऊपर से पहाड़ से कुछ जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता है ना तो ये ऐसी हो जाती है फिर और अभी एक और गाड़ी दिखाता हूँ आपको इसी की ये देख सकते हो गाइज ये वाली गाड़ी देख सकते हो आप इसकी क्या हालत होगी है ये भी बिल्कुल पत्थर वगैरह गिरे होंगे शायद ऊपर से तब ये ऐसी हालत होगी है इसकी देख सकते हो आप से बेचने के बाद अब मुझे टोकन रिसीव हो चुके हैं पेमेंट वाले तो अब मुझे यहाँ पे तकरीबन हफ्ते या फिर दस दिन के बाद आना होगा तब मुझे ये लोग चेक देंगे यहाँ से और फिर मैं उस चेक को ड्रा कर सकता हूँ और फिर रुपीस निकाल सकता हूँ तो फाइनली अब पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन के बाद मैं जा रहा हूँ घर और सामने से आप देख सकते हो कि पिकअप आ रही है वही सतपाल मिस्टर सतपाल जी की पिकअप और अभी हम इसके अंदर बैठेंगे और चलेंगे घर की ओर